भारत सरकार जितनी भी योजनाएं चलाती हैं, उनके जरिए पात्र लोगों को लाभ दिए जाते हैं। इन योजनाओं में कई योजनाएं ऐसी हैं जिनमें सब्सिडी देने का प्रावधान है, जबकि कई योजनाएं ऐसी हैं जिनमें आर्थिक लाभ दिए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए देने का प्रावधान है और इस पैसे को 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दिया जाता है। अब तक कुल 18 किस्त जारी होने के बाद अब अगली बारी 19वीं किस्त की है। पिछले महीने 5 अक्टूबर 2024 को पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त जारी की गई थी। इस किस्त के जारी होने के बाद अब किसान 19वीं किस्त की आस लगाए बैठे हैं। अगर आप भी पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि ये किस्त कब जारी होने वाली है। केंद्र सरकार ने साल 2018 में देश के किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। इस योजना में किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ये राशि किस्त में मिलती है। हर किस्त में किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपए की राशि आती है। सबसे पहले यहाँ ये जान लें कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी की जाती है। जैसे 18वीं किस्त अक्टूबर माह में जारी हुई है, उस हिसाब से अगली किस्त यानी 19वीं किस्त के 4 महीने का समय जनवरी में हो रहा है, इसलिए माना जा रहा है कि जनवरी में 19वीं किस्त जारी हो सकती है। अभी इसको लेकर अधिकारी जानकारी नहीं दी गई है। इस योजना की खासियत यह है कि इसमें किसानों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आते हैं। पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को ईकेवाईसी करवाना जरूरी है। अगर कोई किसान ईकेवाईसी नहीं करवाता है तो उन्हें ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किसान 3 तरीकों से ईकेवाईसी करवा सकते हैं। सबसे पहले ओटीपी आधारित ईकेवाईसी, दूसरी बायोमेट्रिक आधारित ईकेवाईसी, थर्ड फेस ऑथेंटिकेशन आधारित ईकेवाईसी। सरकार लाभार्थी किसानों की सूची जारी कर देते हैं। इन सूची में अपना नाम चेक करके किसान जान सकते हैं कि उन्हें योजना का लाभ मिलेगा या नहीं। लाभार्थी लिस्ट में नाम चेक करने के कुछ स्टेप है, चलिए आपको वो बताते हैं। पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट https.pmkisan.government.in पर जाएं। अब यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस के ऑप्शन को सेलेक्ट करें। इसके बाद अपना आधार नंबर या फिर बैंक अकाउंट नंबर भरें। अब गेट डाटा को सेलेक्ट करें। इसके बाद आपको स्क्रीन पर अपनी सभी डिटेल्स शो हो जाएंगी। इन डिटेल्स के जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपको योजना का लाभ मिलेगा या नहीं। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।